आज हम बहुत ही जल्दी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे पोहे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम पोहा मैंने ये मीडियम साइज़ का पोहा लिया है याद रखिए फ्रेंड्स आपको ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा पोहा लेना है आपको सिर्फ मीडियम साइज़ का पोहा लेना है हमने इसे दो तीन बार धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी हमने ली है दो चम्मच अब हम इसमें नमक डाल लेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पंद्रह मिनट के लिए अलग रख दें अब गैस पर पैन रखिए याद रखिए आपको इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है ये देखिए दोस्तों अब पैन गरम हो चुका है अब अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे इसमें हम डालेंगे पचास ग्राम मूंगफली। इनको अच्छे से लाल होने तक भून लें अब इनको एक कटोरी में निकाल लेंगे अब इसी पैन में दो बड़े चम्मच तेल डाल दें एक चम्मच राई डालेंगे इसमें हम राई को अच्छे से चटकने दें इसमें दो कटी हरी मिर्च डाल दें पाँच से छः कड़ी पत्ते डाल दें एक चम्मच हल्दी डाल दें इसे थोड़ा भून लें अब ये पोहा डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें एक नींबू का रस डाल दें और इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें भुने हुई मूंगफली डाल दें अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें हमारा पोहा तैयार है